सिक्योरिटी मिले या ना मिले, और सिक्योरिटी मिल भी इसलिए नहीं रही कि लोग जानते हैं, सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि अगर इनको सिक्योरिटी दे दी गई तो उनकी कुर्सी की सिक्योरिटी कम हो जा रही है, तो कम ही नहीं हो जा रही, कुर्सी छीनने के आसार लग रहे हैं। और यकीन माने, सिक्योरिटी मिले चाहे ना मिले, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चंद्रशेखर भाई इस सत्ता में आने वाले हैं, जो लोग समर्थन देना चाहते हैं वो दें, अभी तक जिन्होंने दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो लोग आए हैं उनका सबका धन्यवाद है। ये जो जनसैलाब है वो सिर्फ भीम आर्मी का नहीं है, सभी के लोगों का है, सभी कम्युनिटी के लोगों का है, सभी संगठन के लोगों का है, तो इसलिए उनका सबका धन्यवाद है। इतनी भीड़ देख के क्या लग रहा है आप? सामाजिक परिवर्तन का बदलाव का जो है आस लग रही है दिल्ली जैसे शहर में, और जहां पर जो है मीडिया द्वारा ये प्रचारित किया गया, भय फैलाया गया कि बाढ़ है, पानी है, आंधी है, तूफान है, और बसें ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी, हमारे कम से कम 3-4 हज़ार का लखनऊ में भी रोकने का प्रयास किया गया, तो इसी तरह जगह जगह प्रताड़ित किया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी सारे बंधने तोड़ करके यहाँ पर लोग आए हैं, वो आज नहीं कल परसों से आ रहे हैं, और हम तो इधर गांधी मार्केट गए, जनपद मार्केट गए, कई मार्केटों में गए, वहाँ पर भी देखा कि चारों तरफ वहाँ पर है, और इतना इतना जो है भय था कि कल मैं 6 बजे इंडिया गेट पर पहुँचा, हाँ कल भीम आर्मी का आंदोलन होने वाला है और यहाँ भीड़ ज़्यादा है इसलिए इसको रोक दिया गया है। तो ये प्रशासन में मतलब जो धरोहरें हैं जिनको हमेशा खोली गई, उनको भी भीम आर्मी के भय में जो है रोक दिया गया, वहाँ पर परमिशन भीड़ बढ़ जाएगी या कोई जो है व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद का आपको कौन सा काम अच्छा? चंद्रशेखर आज़ाद का वो हर काम अच्छा लगता, कोई ऐसा काम उनका है ही नहीं जो अच्छा ना हो, चाहे जिस समुदाय, चाहे जिस कम्युनिटी का, चाहे जिस मौसम में, चाहे जिस परिस्थिति में, हर मजलूम आदमी के साथ बिना कुछ भय और मतलब कैलकुलेशन के, लालच के और नफा नुकसान देखे कूद पड़ते हैं, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, पत्थर से भी टकराने की, जो है सूरज से भी टकराने की जो है रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही वर्तमान में सारे नेताओं के, सारे लीडरों, सारे पार्टियों नेताओं की जो है गिरावट हो गई, कहीं CBI हो जाए, कहीं जेल हो जाए, कहीं मुकदमा लिख जाएगा, वो तो तब गए, उनको 16 महीना जो है सरकार ने रास्ता लगाकर जेल में नहीं भेजा, उनको तपा दिया है, और अब डरती है कहीं दोबारा कर दिया तो। जब इंडिया के जो टाइम्स मैगजीन ने 100 टॉप 10 के, दुनिया के सब टॉप 10 के लोगों में चयन किया, जिसमें भारत के 5 नाम हैं, उसमें नंबर 1 पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना स्थान हासिल किया, इससे पता चलता है। आज देखिए बहुत सारे दलों के नेता आए हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो बड़े नेता हैं तो नहीं आए, लेकिन अपने नेताओं को भेजे हैं, तो इसलिए ये सारे दलों के नेताओं को ये पता है कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में हम परिवर्तन ला सकते हैं, इनके बगैर परिवर्तन नहीं ला सकते, सत्ता परिवर्तन। और ये जो मीडिया, बड़ी मीडिया के द्वारा बरगला करके दिन रात जो है ढोंग आडंबर, हिंदू मुसलमान जाति फैला कर, जातवाद फैला करके गुमराह करके इस पर कब्जा किए हैं, और जिस दिन इसकी जो है कलाई खुलेगी ये पता नहीं चलेगा, जो 200-300 बता रहे हैं सीट वाली, ये 2 सीटों पर फिर चली जाएगी और शून्य हो जाएगा। क्या लगता है सफलता मिलेगी इस आंदोलन करने से? नहीं, सफलता मांगे हैं वो पूरी होगी? नहीं, मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा है, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने निर्दयी हैं और इतने मतलब उनके जो नियम हैं वो इतने अलग हैं कि हर तरीके से वो कहते तो हैं कि जनता के लिए हैं, लेकिन अब ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पर कांवड़ लेकर आए होते तो हमारे लिए ट्रेनें फ्री होती, बस फ्री होती हैं, हवाई जहाज से फूल की बरसात हो रही होती, रास्ते में जलपान हो रहे होते, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और अब खुद जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री साहब आ रहे होते, हमारे पैर धुल रहे होते, ये चीज़ें हो रही होती है जब हम धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने हक की मांग करने लगे तो हालात ये होते हैं कि अगर आपने टिकट ले भी रखा है तो उसमें भी 75 तरीके की बातें किया था, आपने टिकट जो है शायद ये वो वाला नहीं लिया जो होना चाहिए था, आप जो है बाहर चलिए, आप वहाँ जा नहीं सकते, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करी गई। हुआ क्या रास्ते में? बहुत सारे लोग परेशान हुए टिकट की वजह से, और भी बहुत सारे जो पुलिस प्रशासन है उसने भी कहीं रोकने की कोशिश करी, अंदर आने की भी दिक्कतें हुई, यहाँ हमारे लोग जो है पार्क में बैठे हुए थे उनको भी वहाँ से जो है हटाने की कोशिश की गई, हालांकि देखिए ये भीम आर्मी के लोग हैं, डरते देखिए किसी से नहीं, कहा गया कि देखिए ऐसा हट जाइए नहीं तो मुकदमा हो जाए, लेकिन मैंने उनसे कहा देखो ऐसा इतनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा मुकदमे ले रखे हैं, इसका तो मुझे डर मत फैलाएं, तो ये उनकी नीति है, ये हमेशा से चाहते हैं। देखिए सुरक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, ये जहाँ तक दिख रहा है अभी तक के नहीं हुआ तो आगे भी होने के चांसेस नहीं है, लेकिन यकीन मानिए
बदलाव जरूर होगा। ये जो आंदोलन था ये आने वाले कल का बदलाव है और आहट है। और ठीक है हम मौजूद थे जंतर मंतर पर और यहाँ पे हमने बातें की कुछ लोगों से और इन्होंने बखूबी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्णव।